अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? दानिश पर से बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और ये मैं अबाया का दुपट्टा अभी तक पहनी भी हूँ। बाहर गई थी कुछ सामान लेने क्योंकि 2 दिन में बकरीद है तो 1 दिन बीच में है, और चली गई थी और कुछ सामान लेकर पास से ही आ गई हूँ। अब हमारी मार्केट में से ही लेकर आई हूँ। तो बस गर्मी बहुत ज्यादा है अभी, तो ये भी लग रहा है कि बनाऊंगी कैसे, होगा क्या। तो लेकर आई थी सामान कुछ, तो बस ला के रखा है। तो भी खाना भी खाना है, डिनर करना है रात का टाइम है, तो कल का दिन है अभी बाकी, तो बस कल रात को ही तैयारी है। तो मेरा सामान मैंने ला के रखा है, ये तो मैं क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैं सेवैया, ये मैं शीर बनाती हूँ, ये वाले मेहरान की हैं, ये है एक पैकेट, ये है, और इसमें है ब्लैक पेपर, और ये है मायनी, और तो ये है, और कई पैकेट लाई हूँ मैं इसके, और मैं इनको भून कर रख लूँगी। तो ये है केक का, यहाँ देखिए ये रहा, ये वाला, ये ही अच्छा लगता है मुझे। हैं बहुत सारे केचप है, पैटल केचप, और इसमें ये छोटी छोटी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी काजू हैं, कटे हुए बादाम हैं, गोला है, पिस्ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें क्या है, एग है, एग भी आके रखे गए हैं। इसमें क्या है, तो ये मैं कौरमे मसाला, जो कि मैं कौरमा बनाऊंगी तो इसमें डालूंगी, और पुलाव बिरयानी बनाऊंगी तो ये भी मैं इसमें डालूंगी। और ये है बादाम, और ये है, ये भी घी अमूल का। तो ये आके रख गया है थोड़ा सा सामान, और मटन मैंने मंगा लिया है। तो फ्रीजर का तो हाल कुछ ऐसा है, ये और ये सब मटन है, और ये कीमा है, और बीच में चिकन भी है, पीछे ये वाला पीछे जा रहा है, चिकन है वो। तो ये है मेरा किचन, और किचन में आग की तरह से आग बरस रही है, और अभी तो मैं आई हूँ, तो किचन में अभी तो आई हूँ, अगर मैं 5 मिनट बाद बनाती हूँ तो फिर देखने वाला होगा मेरा हाल। तो बस पता नहीं ये कैसे बनेगा और क्या क्या बनेगा, मैंने दिखाया अभी, ये सब कल की तैयारी है। तो अभी मेरी हालत तो अच्छी नहीं हो रही है, तो मैं दिखाती हूँ कि अभी मैंने ये मिल्क मंगाया है, तो ये वाले की बनाती हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें, ये 6 लीटर है तो 6 लीटर इसमें मैं डालूंगी, अभी 2 ही डाले हैं बस, तो ये 2 लीटर है। मटन है अभी मैंने, जो कि सिर्फ अभी डाला है, तो मैं इसका मटन कौरमा बनाने वाली, तो बहुत जल्दी जल्दी से करना पड़ता है। तो ये है छुआरे जो अभी आधे कटे हैं, ये है नारियल जो मैंने इसको ऐसे घिस के काटा है, और कटे हैं बादाम है, और इनमें मुझे ये किशमिश है, और ये पिस्ता और काजू काट लिए, ये काटने वाली चीज़ नहीं है, और मखाने मुझे और मिल ही नहीं रहे थे तो मंगा लिए हैं। ये मैंने 3 पैकेट सेवइयों के भून के रखे हैं, फ्राई करके ठंडी करके मैंने, देखिए इस तरह इसमें रख दिए हैं। अभी मुझे जितनी इसमें डालने को होंगी मैं उतनी डाल दूँगी। ये मेरी प्याज फ्राई हुई भी रखी हुई है, तो काम मेरा चला हुआ है, और बिरयानी बनाऊंगी जिसके लिए मैंने अखनी बना के रखी, तो ये अखनी बनी हुई रखी है, तो कुछ काम। जरूर जरूर पूरी
थी क्योंकि आज बकराईद है तो रात से मैंने शुरू किया था और सुबह सुबह तक मेरा सब चीजें बन गई थी रेडी। तो सुबह सुबह ईद की नमाज पढ़कर सब आ जाते हैं और सब जा चुके हैं अभी खाकर। तो अभी अभी खाली हम हैं और टाइम हुआ है 8 o'clock हो रहे हैं, 8 बज रहे हैं। 8 बजे तक सब आके चले गए हैं क्योंकि 5 बजे ईद की नमाज हो गई थी 5:15 पर। तो उसी के बाद सब आ गए थे और 2 घंटे में सब फारिग होकर चले गए, अभी गए यानी कि 1.5 घंटे में। अब हमें भी कुछ थोड़ा सा खाना है और गर्मी बहुत है और किचन में रह के मेरी बहुत बुरी हालत है। तो बस ये मैंने हल्का सा ऐसा प्लेन सा सूट पहना है क्योंकि ना तो मुझे कहीं जाना है और ना ही मुझे मेरे पास अभी कोई आया हुआ है। तो बस कुछ फ्रेंड इनके आए थे तो वो जा चुके हैं। का पहला दिन तो हम आए हुए हैं अलगो से भी स्पोर्ट्स सेंटर, तो यहाँ गेम खेलने के लिए हम आए हुए हैं और रात हो चुकी है तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। Thank you.
हम अपनी गेम पूरी कर चुके हैं और ये टीवी पर हमारा स्कोर भी आ गया है, हमारे नाम भी आ रहे हैं साइड में और टोटल स्कोर आ गया है हमारा। तो इस गेम के एक आदमी के 40 रियाल थे और 10 राउंड मिलते थे, तो हम तीन जनों ने खेली थी और तीनों के हमारे साइड में नाम आ रहे और ये हमारा पूरा हो चुका है। तो ये साइड में स्कोर भी आ गया था, तो हमारा टाइम पूरा हो चुका और हम बाहर आ गए। तो यहाँ पर ये ट्रॉफी है जो कि ये वो रखते हैं सामने खेलने के लिए, दूसरों से ट्रॉफी जीतते हैं। तो ये ऐसी इस तरह के कंपटीशन होते हैं और ये इनके डेकोरेशन में देखिए, यह फिश एक्वेरियम बना हुआ था और इसके आगे हमने फ़ोटो खिंचवाए थे। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं, हमारा हो चुका है और गेम यहाँ पर एक ही नहीं है, बहुत सारी थी। तो ये बहुत सारी जगह जगह थी और हमने ये जो जितनी भी साइडें दिख रही हैं, इधर बड़े बड़े हॉल थे और उनमें वो गेम थी। तो हमने खेला था ये बॉलिंग वाला खेल। तो अभी हम बाहर आ रहे हैं निकल के, तो हस्बैंड भी हमारे देखिए, ये मैंने कहा था कि उंगली से मैं बताऊंगी कि फिश आ रही है, इसे पकड़ो। तो ये इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो तो भाग जाती है ना, हाथ पास आता है। तो ये बहुत अच्छी लग रही थी मुझे और हम आ गए हैं अभी बाहर निकल कर। तो ये हमारा है कॉर्निश का एरिया है और डैनूब मॉल है। तो अभी तो हम इसमें से निकले क्योंकि यहाँ होटल भी हैं, तो हम चल रहे हैं अपना, रात के 10 बज रहे हैं। तो अभी हम घर की तरफ को निकल रहे हैं, घर आएंगे और टहलते हुए चल रहे हैं, गर्मी बहुत है, बस गाड़ी पे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ जाएंगे और घर आ जाएंगे अभी हम। तो ये दैनूप में आ गए थे क्योंकि दैनूप में भी हमें प्यास लग रही थी और ठंडे पानी या आइसक्रीम या जो जूस, तो ये लेकर आए हैं, थैली में है। तो बस आज का ईद का दिन पहला, मैं ये अपने व्लॉग का यहीं करती हूँ एंड। दुआ में मुझे याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और सबको ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक, सबको बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।